This lecture is on sociological jurisprudence, or sociological school of thought. Roscoe Pound is the main propounder of this theory, or the father bhi his jurisprudence So basically, sociological jurisprudence has been there as a reaction to the barren law created by historical school and analytical school. Analytical school me kaha tha ki law is just a command of a political sovereign or political superior, right? And एवरी वन इज़ सपोज टू बी कम्प्लाइंग विद दैट कमांड अदरवाइज दे विल फेस अ सोटन कॉन्सिक्वेंस और हिस्टोरिकल स्कूल में बात हुई थी कि लॉ का ओरिजिन और डेवलपमेंट उसकी हिस्ट्री में होता है हिस्ट्री ऑफ दैट सोसाइटी जहाँ पर लॉ आप अप्लाई करना चाह रहे हो बट सोशोलॉजिकल जोर स्प्रोडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू टू द लॉ इज़ डिफरेंट वो लॉ को एज अ चेंज देखते हैं एज अ टूल टू ब्रिंक चेंज इन सोसाइटी अब पंटिल नाव क्या था ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर फेयर पॉलिसी थी जहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस कम था और इंडिविजुअल इंटरेस्ट ज़्यादा प्रमोट होता था राग्जाम्पल हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट का लेते हैं लिबर्टी अब कैपिटलिस्ट थे ये जो लोग थे वो बिजनेस संभाल रहे थे स्टेट का इंटरफेरेंस कम है मतलब इनके पास लिबर्टी ज़्यादा है राइट और इन बिजनेसेस में स्टेट का इंटरफेरेंस कम होने के कारण वहाँ पे टैक्सेस वगैरह कम होते हैं तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट को मिल रहा था फायदा बाय क्रिएटिंग मोर वेल्थ बिकॉज ऑफ़ दैट काइंड ऑफ लॉ ठीक है बट अब यहाँ पे चेंज आया है सोशलॉजिकल जुड के कारण इन्होंने बोला लॉ इज़ नॉट जस्ट देयर टू रेगुलेट बिहेवियर इट इज़ आल्सो देयर टू ब्रिंग हारमोनी एंड बैलेंस एंड टू प्रमोट सोशल जस्टिस और सोशल जस्टिस जो वर्ड है वो भी सोशलॉजिकल जूड से आया है एंड इट इज़ देयर टू ब्रिंग चेंज तो लॉ एक सोशल टूल की तरह देखा जाने लगा ये बेसिकली क्रक्स है पूरे सोशलॉजिकल जुड का आइडिया ऑफ दिस स्कूल ये है कि इट केटर्स टू द इमीजिएट नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी ये बेसिकली क्रक्स है पूरे स्कूल का The focus is on the functioning and the working of law, ki whether this law, whether this legislation, whether this reform is actually serving people or not, which was not seen law, and they the, whether that law is being uh, exercised in an effective manner or whether it is helping people or not. But sociological jurisprudence has said that now it is also part of law to see that whether it is serving people or not. Now we will look at the various definition of various other schools to just bring out the contrast That sociological school different hai? Jo analytical positivism I analytical school I defined law in the context of sovereignty. Hai. historical school it defined law in the context of history, tradition, culture, etc etc. natural law it defined law in the context of morality but sociological school defined law in the context of society. वेअर टू गो मोर डीप इंड टू दिस डेफिनेशन देट लॉ इज़ अ टूल इट्स टूल इट्स अ सोशल टूल टू आंसर द नीड्स ऑफ पीपल अब ये जो नेक्स्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से पढ़ना विच वुड भी कॉन्शियसली डेवलप और डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेटा कलेक्शन टू केटर टू द नीड्स ऑफ पीपल यहाँ पे जो वर्ड है डिजाइन और डेटा कलेक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन इट रिफ्लेक्ट्स दैट दिस स्कूल ऑफ थाट इज़ वेरी साइंटिफिक इन नेचर कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कलेक्ट करके इट ब्रिंग्स वेदर देर अ नीड टू बी ब्रॉड इन सोसाइटी और वो लॉ आपका लाते कैसे हैं वो बाय अप्रोचिंग साइंटिफिक मेथोड्स ठीक है रादर देन आर्बिट्री रीजनिंग विच एग्जिस्ट नेचुरल लॉ स्कूल अब वी आर गोइंग विद अ मोर साइंटिफिक अप्रोच रॉस्को पाउंडेड दीज फोर स्टेचेस फर्स्थ स्टेज है मकानिकल स्टेज सेकेंड है बायोलॉजिकल थर्ड साइकोलॉजिकल एंड फोर्थ है यूनिफिकेशन ऑफ ऑल दी स्टेजेस नाउ दी स्टेजेस रिफ्लेक्ट हाउ सोशलॉजिकल जूरस्पूडेंट डेवलप्ड कि किन स्टेजेस में सोशलॉजिकल जूडस्पूडेंट्स डेवलप हुआ कब नीड उसकी फ़ील हुई कैसे वो बना और क्या है वो बेसिकली इन स्टेजेस में आपको ये दिखेगा फोर्थ स्टेज है मकैनिकल स्टेज देखो प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या हो जाता था जो भी चीज़ हो रही है नेचर में कोई भी फिनोमिना हो रहा है एग्जाम्पल थडोस्टॉम आ रहा है इट इज़ ब्लेम्ड ऑन गॉड कि गॉड की वजह से हो रहा है बट नाउ वी नो बेटर दैट एवरीज नेचुरल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन बाय साइंटिफिक रीजनिंग तो अब हमारी जो अप्रोच है बहुत साइंटिफिक हो गई इट इट इज अ स्टेज ऑफ एब्सल्यूट रियालिटी वेयर वी आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग एंड द होल लॉ इज सीन फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक पर्स्पेक्टिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच है एम्पेरिकल अप्रोच मतलब वट एवर डेटा पॉइंट वी आर एम्पेरिकल हाइपोथिस We are making it can be proved the empirical. Right, a fourth stage mechanical state we realize that we need a more scientific approach, second stage, a biological state. यहाँ पे वी वी आर लुकिंग एट द इवोल्यूशन ऑफ लॉ हम देख रहे हैं कि लॉ कोई रिस्ट्रिक्टिव नहीं है नेचर में इट्स एवर ग्रोइंग ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे हम कलेक्टिव इंटरेस्ट देखेंगे हर किसी का नॉट जस्ट अ फ्यू क्लासेस की सिर्फ कैपिटलिस्ट और ऑलीग्राफ का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे जैसे फेयर सोसाइटी में हो रहा था ठीक है तो बायोलॉजिकल का मतलब है यहाँ पे इवोल्यूशन की बात हो रही है एक लॉ की ठीक है और अर्लियर इंडिविजुअल राइट वॉज इन फोकस बट नाउ विद सोशलॉजिकल जो स्टूडेंट्स कलेक्टिव राइट आर ब्रिंगिंग एंड गेटिंग इन फोकस थर्ड स्टेज है साइकोलॉजिकल स्टेट हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी टू क्रिएट बेटर लॉज तीन पॉइंट्स इमर्ज होते हैं फर्स्ट है देर आर नॉर्म्स फॉर एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ मैन टूवर्ड्स वन अनदर। कि एक्सटर्नल कंडक्ट के मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान से कैसा बिहेव करे दैट इज टू बी रेगुलेटेड बाय अ लॉ और एक्सटर्नल कंडक्ट क्यों बोला मेंटल कंडक्ट क्यों नहीं बोले क्योंकि मेंटल कंडक्ट आप किसी का रेगुलेट नहीं करते हो अनलस एंडलस देर आर सम एक्सेप्शन जैसे कॉन्सपेरे में होता है उस क्राइम में आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट इज इनफ अदरवाइज वी वी आर लुकिंग फॉर एक्टर्स रियज वी आर लुकिंग फॉर एक्शन सम सॉर्ट ऑफ एन एक्शन एंड दैट एक्शन इज एक्सटर्नल कंडक्ट सेकेंड है देर आर नॉर्म्स विच प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सटर्नल अथॉरिटी कि कोई लेजिस्लेचर है जो लेजिस्लेट करेगा इन नॉर्म्स को इन या फिर रूल बुक्स को विच इज़ रेगुलेटिंग द एक्सटर्नल कंडक्ट एंड दीज नॉर्म्स हैव अ बाइंडिंग फोर्स विच इज़ गारंटीड बाई एन एक्सटर्नल पावर कि अब हमारे पास एग्जीक्यूटिव है जो फुल पुलिस फोर्स की मदद से एक लॉ को एग्जीक्यूट करवाएगी और बाइंडिंग नेचर देगी फोर्थ स्टेज है जहाँ पे सारे स्टेज यूनिफाई हो जाएंगे इट्स यूनिफिकेशन ऑफ सोशलॉजिकल मेथड एंड सोशलॉजिकल साइंसेज अब बोलता है यहाँ पर जोरे बोल रहा है कि लेट्स अंडरस्टैंड एवरी ब्रांच टू मेक लॉ एग्जाम्पल मैथ्स इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी हिस्ट्री साइंस अब सारी ब्रांचेज को हम समझेंगे टू मेक लॉ टू क्रिएट सच सोशल लॉ सोशल टूल विच वुड बी सर्विंग द पर्पज़ ऑफ सोसाइटी यहाँ पे क्या होगा बिफोर इवन मेकिंग लॉ हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे हम हाइपोथिस डिड्यूस करेंगे कि ऐसा कुछ होगा फिर हम देखें कि रियालिटी में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं जो तो हमारी हाइपोथेसिस से जो भी लॉ है क्या वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो आफ्टर सच ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन वी विल ब्रिंग लॉ दे फॉर दी सोशोलॉजिस्ट आर ऑल्सो कॉल साइंटिस्ट जिनको बोला गया था दे नीड टू कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी टू मेक इम्पार्शल लॉज रॉस्को पाउंड के थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं He's an American jurist born in 1870. Or sociological jurisprudence it was taken more seriously in the US. He is also the father of sociological school, as I told you before. And he also a professor, was a professor rather in a Harvard Law School. So according to Pound, social jurisprudence should ensure that making, interpretation, application of law take account on social facts. कि जो भी हम लॉ बना रहे हैं और जो लॉ का एप्लीकेशन है और जो इंटरप्रटेशन है वो सोशल फैक्ट्स के इर्द गिर्द होना चाहिए अब आप सोशल फैक्ट कलेक्ट कैसे करोगे फोर्स है देयर शुड ब फैक्चुअल स्टडी ऑफ सोशल इफेक्ट्स ऑफ लेजिस लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव रादर ये कोई भी लीगल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसका कोई इफेक्ट हो सोसाइटी में आप उसको स्टडी करो उसमें डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करो और इन डेटा पॉइंट्स को हम सोशल फैक्ट्स बोलते हैं एंड द सोशल इन्वेस्टिगेशन इज प्रीलिमिन्री टू लेजिस्लेशन क्या आप लेजिस्ट करने से पहले आप लॉ को बनाने से पहले आप सोशल फैक्ट्स को कलेक्ट करो ये एक इन्वेस्टिगेशन करो इट्स अ कॉन्स्टेंट स्टडी फॉर मेकिंग लॉज मोर इफेक्टिव इट इन्वॉल्व्स Study of psychological and philosophical of judicial method or sociological study of legal history. इट अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ जस्ट एंड रीजनेबल सोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल केसेज एंड हीयर वी आर सिंग अचीवमेंट ऑफ द पर्पज़ ऑफ़ वेरियस लॉज की बेसिकली ऑन एंड ऑल ये बोल रहे हैं कि लॉ बनाने से पहले एक स्टडी होती है और लॉ बनाने के बाद भी स्टडी होती रहती है कि आपका लॉ अचीव कर पा रहा है जो पर्पज़ से बनाया गया था या नहीं बेसिकली ये है और ये सोशल फैक्ट्स को कलेक्ट करने का पर्पस ये है प्रोसीजर भी यही है तो यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ है फोकस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो एक फेयर सोसाइटी में था जैसे कि हमें बिज़नेस में जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बिज़नेस है उसके बिज़नेस में स्टेट का इंटरफेरेंस कम है इसका मतलब क्या है स्टेट बिजनेस पर टैक्स नहीं लगा रही है और अगर टैक्स नहीं लगा रही है तो बिज़नेस फ्लरिश करेगा बिजनेस फ्लरिश करेगा सोसाइटी फ्लरिश करेगी तो यही एक लेजेस फेयर स्टेट का पोपस है बट ये जो फोकस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट था ये शिफ्ट होकर फोकस ऑन कलेक्टिव इंटरेस्ट हो गया वेलफेयर स्टेट माने कि जैसे वही सेम एग्ज़ाम्पल में बिज़नेस पर आप टैक्स नहीं लगा रहे तो इसका मतलब आप कोई एक वेलफेयर लेजिस्लेशन भी नहीं ला पाओगे ऐसा कोई इंसेंटिव या फिर कोई ऐसा ऐसा कोई लॉ नहीं ला पाओगे जो एक वेलफेयर में हो किसी भी ग्रुप के लिए बट रादर इट इज़ जस्ट एन नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट तो वहाँ पे ये एक शिफ्ट हुआ है सोशल जूडेंसूडेंस के कारण सॉरी सो पाउंड सेट देर आर थ्री काइंड ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट एंड द होल गेम इज टू बैलेंस दीज इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट देखते भी कैसे हैं अभी बताता हूँ मैं कि हाउ टू डिटमाइन दी स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर पहले आप सारे इंटरेस्ट को कलेक्ट करते हो आप एक इन्वेंट्री बनाते हो इन्वेंट्री मतलब सारे को कोलेक्ट करके एक लिस्ट में डाल देना फिर देन यू आइडेंटिफाई दैम दैट इज सेलेक्टिंग वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर लुकिंग फॉर सपोज आई सेलेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिबर्टी विच इज़ अ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड वेन यू सेलेक्टेड यू लिमिट दैम बेसिकली डिमार्केट द एक्सटेंट ऑफ दिस इंटरेस्ट हम एग्जाम्पल लिया था कि इंटरेस्ट ऑफ लिबर्टी देन वट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ सच लिबर्टी हम यहाँ पर ये डिमार्केट करेंगे एंड वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू वी विल सिक्योर दैट बाई मेकिंग अ लेजिस्लेशन बेसिकली दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सोकोमेंट एंड ट्राई टू डिटर्माइंड स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर दिस अप्रोच इज़ वेरी साइंटिफिक यहाँ पे पाउंड ने बोला कि जो लॉयर्स हैं दे आर नथिंग बट सोशल इंजीनियर्स एंड एम ऑफ सोशल इंजीनियरिंग क्या है टू बिल्ड ए सफिशियंट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से मैक्सिमम सेटिसफैक्शन ऑफ सबको अगेन यहाँ पे कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात हो रही है एंड मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विद मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन वेस्ट कि मिनिमम फ्रिक्शन ऑफ वेस्ट जो भी है वो मिनिमम रहे एंड हम सारे इंटरेस्ट को बैलेंस करके एक मैक्सिमम सेटिसफैक्शन को ला पाएं अब सारे इंटरेस्ट पे एक बार हम देखते हैं बहुत छोटा सा है जल्दी से हो जाएगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट फोर्स है पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक पर्सन के पास हैव लिबर्टी फ्रीडम ऑनर रेपुटेशन प्राइवेसी राइट टू ओपिनियन बिलीफ एक्सेट्रा ये एक पर्सनल इंटरेस्ट है जो पर्सनालिटी पे बेस्ड है डोमेस्टिक रिलेशन पे बेस्ड वाले इंटरेस्ट कौन से हैं कि राइट टू हैव अ डोमेस्टिक रिलेशन सच एज हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स चिल्ड्रन एट्सेट्रा सम वन हैव द राइट एवरी वन हैव द राइट टू मैरी तो किसी का हस्बैंड बनने का राइट right है किसी का वाइफ बनने का राइट right है है इंटरेस्ट और सब्सटेंस दैट इज़ राइट टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट कि आप एक एडवांटेज रिलेशनशिप में आ सको किसी के साथ और फोर्स इंटरना इंडस्ट्रियल रिलेशन और टू ओन प्रॉपर्टी या फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या फिर कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये है इंडिविजुअल इंटरेस्ट सारे पब्लिक इंटरेस्ट चाहिए दिस इज फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द स्टेट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज अ जुरिस्टिक पर्सन की पर्सन दैट इज द पर्सन पर्सन कैन सी और बी सूड अब स्टेट के पास फ्रीडम है टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ प्लस प्रोटेक्ट द सोशल इंटरेस्ट वो सेकेंड आता है कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज अ गार्डियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट अब इट क्लैश विद सोशल इंटरेस्ट ऑल टूगेदर जो हमारा सोशल इंटरेस्ट है उसमें इट्स इट्स फ्राम द स्टैंड पॉइंट ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ठीक है समथिंग विच इज कंसर्निंग द कलेक्ट कम्युनिटी ऑल टुगेदर कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात होती है यहाँ पे अगेन फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ जनरल सिक्योरिटी बेसिकली एनी थिंग विच इज थ्रेटनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कम्युनिटी और दैट सोशल ग्रुप एग्जाम्पल हो गया जनरल सेफ्टी जनरल हेल्थ पीस एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन जैसे कि डोमेस्टिक इकोनमिक रिलीजियस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज तो ये इंटरेस्ट है इन स्टेट टू प्रोटेक्ट सोशल इंस्टीट्यूशन समटाइम्स सोशल इंटरेस्ट कैन क्लाश विद इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन की बात हुई इट हैम्पर्स द इंटरेस्ट ऑफ होमोसेक्शुअल कि अगर आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया कि एक लड़का और लड़की की शादी कर सकता है तो होमोसेक्शुअल का इंटरेस्ट फिर हेम्पर हो जाएगा उससे तो इसीलिए हमेशा क्लाश होता है एंड द गेम इज टू हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दिज इंटरेस्ट थर्ड है जनरल मॉरल्स बेसिक नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट दैट एक्सटर्नल कंडक्ट की बात हो रही है एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द मॉरल्स अब यहाँ पे इट इज़ क्लैशिंग विद पब्लिक इंटरेस्ट एज वेल एग्जाम्पल है प्रॉस्टिट्यूशन बट अगेन इंडिविजुअल इंटरेस्ट वुड वॉन्टेड टू बी रिकगनाइज राइट अनदर एग्जाम्पल है ड्रग्स का अब इट क्लाशेज विद इंडिविजुअुल इंटरेस्ट क्योंकि इंडिवीजुअल इंटरेस्ट आएगा कि ड्रग्स हमारे लीगल हों बट जनरल मॉरल्स कहता है विच इज़ अ सोशल इंटरेस्ट विच इज़ अ सोशल इंटरेस्ट विच सेज दैट इट शुड नॉट बी लीगल सोशल रिसोर्स हमारा फोर्थ है विच इज़ मिनरल फोर्स फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स इट्स इन स्टेट इंटरेस्ट टू प्रोटेक्टेड ये सोशल इंटरेस्ट है हमारे सारे फिफ्थ है जनरल प्रोग्रेस विच इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्री ट्रेड पोलिटिकल प्रोग्रेस सिक्सथ है सोशल इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल लाइफ दैट इज़ ईच इंडिविजुअल शुड भी एबल टू लिव अ लाइफ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी अब कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में एक स्कीम होती है जहाँ पे बेनिफिट्स पीपल आर अनएम्प्लॉयड ताकि दे कैन लिव द लाइफ विच इज ऑफ द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ दैट सोसाइटी तो ये भी एक सोशल इंटरेस्ट में आता है नाउ पाउंड क्वाइंट द टर्म सोशल इंजीनियरिंग उसने बताया था कि लॉयर सोशल इंजीनियर्स बाउंड सेट दर इंटरेस्ट नीड टू बी वेड एंड अकॉर्डिंगली बैलेंस्ड कि सारे इंटरेस्ट को आप पहले ट्रांसफर करे एक सोशल प्लेन में तो इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि ही इज गिविंग मोर वैल्यू टू सोशल इंटरेस्ट नाउ नीन्स ऑफ अचीविंग दिस इंटरेस्ट आर फोस्टली वी हैव लीगल पोर्सन लॉयर्स लॉयर्स जैसे पाउंडाला सोशल इंजीनियर्स होता है They are having a very important role here, right? Secondly, our attribution of rights, duties, liabilities, and claims to the person. Thirdly, the existence of redressal machinery—that is, a machinery, a judiciary, a judicial system—to impart punishment or other remedies when these rules are abrog abrogated with. नाउ पाउंड ट्राई टू क्लासिफाई लीगल सिस्टम उसने बोला कि एवरी लॉ और और इंटरेस्ट कैन बी एड्रेस्ट इन फाइव फैक्टर्स पहला था रूल्स रूल्स इज बेसिकली अ डेफिनेट कॉन्सिक्वेंस डेफिनेट सिचुएशन कि ऐसी सिचुएशन है तो उसका अगर आपने ऐसा करा तो वट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट दे आर नथिंग बट प्रीसेप्ट मतलब रूल्स एक ही बात है प्रिंसिपल Their authoritative point of departure for legal reasoning in cases not covered in rules. For example, a like legislature, I, they cannot think of every possibility which can exist in a certain scenario. Or rules, they have certain rules, made, but such a situation where the rule is not, made. So judiciary has the power to create a principle where so and so rule will also apply and where rule did not exist for. I hope you got that. Third is conception. दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन विच रूल एंड प्रिंसिपल कैम कैन भी अप्लाइड अब एग्जाम्पल देख लो ये एग्ज़ाम में मत लिखना बट एग्जाम्पल देख लो ताकि टू अंडरस्टैंड वॉट कंसेप्शन इज दैट इलस्ट्रेशन इन बेयर आर्ट्स कि बोलेंगे कि सो एंड सो अगर ऐसा होगा कि तो थेफ्ट ये क्राइम हो जाएगा मतलब कि ऐसी सिचुएशन पे ये रूल या फिर ये प्रिंसिपल अप्लाई होगी और ये सिचुएशन को या फिर ये ट्रांजैक्शंस को कंसेप्शन बोलते हैं डॉक्ट्रीन है इट्स अ यूनियन ऑफ रूल्स प्रिंसिपल कंसेप्शन इनका कॉम्पिलेशन है बेसिकली एक्सेप्शन या लिमिटेशन एक्सेप्शन जैसे कि रूल बनाया कि मोडर करना इज अगेंस्ट लॉ बट एट द सेम टाइम इफ यू किल्स आउ इन योर प्राइवेट डिफेंस देन दे इट्स एन इट्स एन एक्सेप्शन टू दैट रूल राइट तो एक्सेप्शन और लिमिटेशन भी अवेलेबल हैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म पाउंड की थ्योरी का ये है कि वट इज़ दिस फ्रिक्शन एंड वेस्ट इज नॉट क्लियर पाउंड ने बोला तो देर आर थ्री इंटरेस्ट विच नीड टू बी वेड एंड बैलेंस बट आप बैलेंस कैसे करोगे बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन एंड वेस्ट ताकि एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आ जाए बट पाउंड ने यह नहीं बताया कि वट इज दिस फ्रिक्शन एंड वेस्ट What which interest can be considered waste and will this friction causes an interest to become waste? एंड इफ इट्स वेस्ट दैट हाउ कैन बी एनी थिंग भी कॉल इंटरेस्ट तो ये थोड़ी सोचने वाली बातें हम सेकेंड है ही डिड नॉट गिव अ पर्टिकुलर यार्ड स्टिक ऑन हाउ टू वे दिस इंटरेस्ट यार्ड स्टिक मतलब एक मेजर या फिर एक गाइड बुक या फिर एक स्टैंडर्ड ऑन विच हाउ यू विल वे द इंटरेस्ट आपने बैलेंस की बात तो करी पाउंड ने बोला कि आप जाके इंटरेस्ट बैलेंस करो और एक ऐसा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लाओ बट आप बैलेंस किस पे करोगे जब आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है जब आपके पास कोई मेजर नहीं है जब आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि वट इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू विच वन फॉर एग्जाम्पल ओनिंग अ स्लेव यहाँ पे दो इंटरेस्ट की बात आ रही है इंटरेस्ट इन प्रोप्राइट्री ऑफ दैट ओनर हु इज़ ओनिंग दैट स्लेव प्लस यहाँ पे एक और इंटरेस्ट की बात आ रही है इंटरेस्ट इन लिबर्टी ऑफ दैट स्लेव हु इज़ बीग ओन्ड अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब हम बैलेंस करना चाहें तो विच इंटरेस्ट वुड बी ऑफ मोर वैल्यू ऐसा तो कुछ यार्डस्टिक दिया ही नहीं ना पाउंड ने फॉर एग्जाम्पल एक याडस्टिकार्डस्टिक ऐसी दे स, दे सकता था पाउंड की ही कुड हैव सेट लिबोटिज एट द टॉप एंड कम्स बिफोर प्रोप्राइटरी राइट तो हम यहाँ पे ये बोलते थे कि इंटरेस्ट इन लिबोर्टिव विल वेन बट ऐसी कोई यार्डस्टिक पाउंड ने दी नहीं द आइडियल और हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय पाउंड एज विच इंटरेस्ट वुड बी प्रिफर्ड ओवर अनदर डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द आइडियल्स देयर फॉर दिस बैलेंसिंग मैटर फॉर दैट पाउंड टॉक्ड अबाउट इज मिसडिंग इफ टू विटरेस्ट आर टू बी बैलेंस तो हम ये तो प्री सपोज करेंगे कि अगर उनको बैलें

कि एक कोई भी लेजिस्लेशन लाने के लिए कोई भी लॉ लाने के लिए हमें पहले ये सोशल फैक्ट्स गैदर करने हैं कि लॉ का इफेक्ट क्या होगा सोसाइटी में बट एट द सेम टाइम हाउ विल वी सी इफेक्ट आनटिल और अनलेस दैट लेजिस्लेशन हैज इन बिन इन द प्लेस फॉर यूर्स इन दैट सोसाइटी जब तक वो सोसाइटी में कुछ सालों तक नहीं रहेगी जब तक हम उसके इफेक्ट नहीं जान पाएंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि उसका इफेक्ट होगा क्या तो उसके इम्पैक्ट को जानने के लिए दैट लेजिस्लेशन हैव टू बी अप्लाइड विच पाउंड गलत था बोलने में कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए उसका इम्पैक्ट क्या होगा फोर्थ क्रिटिसिजम है कि जो डिविज़न है पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट का दे आर नथिंग बट दे आर सो सोशल इंटरेस्ट ओनली कोई कोई डिविज़न होना नहीं चाहिए ऐसा कुछ इंटरेस्ट का है उन्होंने थैंक यू एवरी